हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे आप सब भी, और मैं भी ठीक हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, ये जितने भी हिबिस्कस और जितने भी परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट हैं गर्मी के सीज़न में फ्लावरिंग करने वाले, तो उनकी कटाई छटाई और उनको खाद देने के बाद का रिज़ल्ट आप लोगों से आज हम शेयर करेंगे। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट भी करें, और जो नए हैं हमारे चैनल पे वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो ये सफ़ेद वाला हिबिस्कस था जो हम अभी दिखा रहे थे आपको। खाद देने के बाद और प्रूनिंग करने के बाद तो बहुत हेल्दी ग्रोथ हुई है, और सारे प्लांट की बहुत अच्छी हेल्दी ग्रोथ हुई है। और ये इसमें अलमंडा है और उसी में ये तुलसी है हमारी। तो तुलसी में सीड नहीं बनने देते थे, इनको कट कर देते थे, तो अब की बार नहीं हटाया था। तो देखिए सारे सीड से भरा हुआ है और पत्तियां बिल्कुल भी नहीं उस पर, और ये अलमंडा भी उसी में लगा हुआ है और उसमें भी ग्रोथ हो रही है कटिंग के बाद, खाद देने के बाद। और ये चंपा है, तो ये विंटर में डोरमेंसी में चले जाते हैं सारे प्लांट, तो अब ये अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। और पत्तियां सारी गिर गई थी, फिर से आ रही हैं पत्तियाँ। तो खाद देने के बाद यही फ़ायदा होता है कि ग्रोथ बहुत अच्छे से करता है। और ये एकदम से हमारा प्लांट सूख गया था, और इसकी भी अब देखिए पत्तियाँ आने लगी हैं। ये गिर गया था, इसमें बहुत ज़्यादा ब्रांचें लंबी लंबी लटक रही थी, उनमें गुच्छों में फ्लावरिंग थी चारों तरफ, तो ये हवा से गिर गया था रेलिंग से नीचे, तो ये ख़राब हो गया था, इसको रिपोर्ट किया था। तो इसमें अब पत्तियाँ आने लगी हैं, लग रहा था कि एकदम सूख रहा है ये, बहुत मुश्किल से इसमें आई हैं ब्रांचें खाद देने के बाद। और इसमें सारे में जितने बड़े प्लांटर हैं, मॉस रोज, परचूलका, पर्सलेन, ये सब लगा दिया है। तो इनमें भी देखिए, ये पिछले साल गर्मियों में हम लखनऊ से लेके आए थे हाइब्रिड वाले, ये येलो कलर वाले, येलो पिंक ऑरेंज थे, तो ये अपने आप सीड से ही उगे हैं। और कटिंग लगा दी थी, तो देसी वाले भी नीचे कटिंग लगी है और उसमें अपने आप से हाइब्रिड वाले भी निकले हैं। और ये हिबिस्कस, इसकी भी प्रूनिंग कर दी थी और हार्ड प्रूनिंग कर दी थी, तो ये अच्छे से इनमें कलियाँ आ गई हैं सारी ब्रांच पर। और देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है और कलियाँ सारी टिप पे हैं। और इधर भी बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। जो ये मॉस रोज अपने आप से उगे थे उनमें जल्दी ही फ्लावरिंग होने लगी है, और इसी में देसी कटिंग लगा दी थी हर कलर के, तो ग्रोथ तो हो रही है, अभी उनमें कलियाँ नहीं बनी हैं। और जो अपने आप से सीड से उग गए थे, हमने इसको सेव ही नहीं किया था और अपने आप से निकल आए हैं सारे जितने भी गमले हैं सारे गमलों में। और ये मधुकामनी, इसको हमने प्रून कर दिया था, और देखिए कितनी अच्छी और कितनी फ्रेश पत्तियां निकल के आई हैं और कितनी चमकदार हैं। बहुत ही खूबसूरत फूलों वाला ये प्लांट होता है, इसे ज़रूर अपने गार्डन में लगाएं। इनमें गुच्छों में फ्लावरिंग होती है और बहुत ज़्यादा खुशबू होती है, पूरा गार्डन ही उसकी खुशबू से भर जाता है। और देखिए कलियाँ हैं, ये जितने भी हाइब्रिड वाले अपने आप से सीड से उगे हैं, तो उनमें कलियाँ आ गई हैं, फ्लावरिंग होने लगी है। और इधर भी ये तुलसी है, तो इसमें सीड बनते हैं, तो हमेशा ही हम निकालते रहते हैं, और उस वाले में छोड़ दिया था कि सीड बन जाए और अच्छा भी लग रहा था, तो उसको कट करना है हमें। और ये प्लांट देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ कर रहा है मधुकामनी का, तो इसीलिए प्रूनिंग ज़रूरी होती है कि हमें गर्मी भर बहुत ही अच्छे से भर भर के फ्लावरिंग मिलती रहती है और ढेरों ब्रांचें आती हैं, तो प्रूनिंग बहुत ज़रूरी होता है। तो हमें फरवरी में ही ये सब काम निपटा लेने होते हैं, तो हमने फरवरी में कर लिए थे। और देखिए इसकी प्रूनिंग नहीं की थी, तो ये भी कलियों से भरा हुआ है, सिर्फ यही एक प्लांट है जो इसकी प्रूनिंग हमने नहीं की थी, लेकिन सारी टिप पे, इसकी सारी ब्रांच पे गुच्छों में कलियाँ आई हुई हैं। और ये बड़ा वाला हिबिस्कस है जो मल्टी पेटल्स के होते हैं, बड़े बड़े से फ्लावर, तो इसको हमने बारिशों में जब बरसात हो रही थी तभी रिपोर्ट किया था, ये कटिंग से रेडी हुआ था। और देखिए इसमें गुमफ्रेना के फ्लावर डाल दिए थे, तो अपने आप से ढेरों सीड इसमें थे, तो हमने उसको सेपरेट भी किया है और इनमें अभी एक दो लगे भी हैं। तो फ्री में ढेर सारे गुमफ्रेना और कोचिया हमारे गार्डन में अब की बार हो गए हैं, जो गर्मियों के बहुत ही खूबसूरत प्लांट होते हैं, जो गार्डन को बहुत खूबसूरती देते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं, ग्रीनरी भी देते हैं। तो ढेरों ऐसे ही प्लांट बनते रहते हैं फ्री में। और ग्लाडिया हमने कटिंग से लगाए थे, तो वो भी बहुत ढेरों प्लांट बन गए हैं। और ये देखिए मधुमालती, बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग इसकी स्टार्ट हो गई है, और कितनी सारी गुच्छों में कलियां हैं आप लोग देख सकते हैं।
और कितनी ग्रीनरी भी है। तो ये बेल भी ज़रूर लगाएं आप लोग अपने गार्डन में, बहुत ही ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग होती है। एक बोरी से ज़्यादा फ्लावर इसके गिरते हैं जब हम इसको कलेक्ट करके रखते रहते हैं, और एक बोरी भर जाती है पूरे सीजन भर में। ये गर्मी और बरसात हमेशा फ्लावरिंग होती है इसकी। और इधर जितने भी ये मैक्सिकन पिटोनिया वो भी अच्छे से अब खिलने लगे हैं, और छोटे छोटे पॉट में वो भी हैं, और ये तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, परचूलका और पर्सलेन। और मधुमालती तो बहुत ही खूबसूरत हो गया है जब से फरवरी में इसकी ग्रोथ स्टार्ट हुई है। तो जितने भी गर्मी वाले सीजनल वाले फ्लावर होते हैं प्लांट, वो डोरमेंसी से निकल आए हैं और बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है, फ्लावरिंग शुरू हो गई है। और ये वेंडरिंग जू भी अब बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, और इनकी भी आप बास्केट बना सकते हैं, हैंगिंग बास्केट। और गुलाब में तो इसमें कटिंग में ढेरों फ्लावर खिले थे और अब कुछ बंद हो गए हैं खिलना, बहुत ज़्यादा खिल चुके थे। हमने इधर फर्टिलाइज़र भी नहीं दिया है, और देखिए एक ही छोटे से ग्रो बैग में वेस्ट में कितने सारे प्लांट लगे हुए हैं। इसी में टिकोमा है वाइन वाला, और इसी में ग्लाडिया कटिंग से लगाया था, और इसी में ये विनका भी, और दो कलर के विनका हैं, वाइट वाले और पर्पल वाले। और ये छोटे से अपने आप से ये सीड से उगा था, तो कितने सारे इसमें बैंगन लगे हैं, और बंदरों से बचाने के लिए हमने इधर ही इसको छुपा दिया था। यहाँ से भी एक बैंगन था तोड़ ले गया था, तो जब उसको तोड़ा तो उसमें कई और ढेर सारे लगे हैं, देखिए बैंगन। और उसको हमको रिपोर्ट भी करना है। और ये सारे ही मिर्ची प्लांट, ये मिर्ची गुड़हल और ये वाला जो है, ये सब कटिंग से ही रेडी हुआ है, तो इनकी भी कटिंग कर दी थी, तो बहुत ही अच्छे से अब इनमें ग्रोथ हुई है, फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो ऐसे ही कटिंग करना बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद फरवरी मंथ में या अभी भी दे सकते हैं। तो हमने खाद दिया था, और वही राख और हल्दी और गोट मैन्योर यही सब दिया था, तो उससे बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही अच्छी ग्रोथ और फ्लावरिंग फ्रूटिंग होती है। तो हमने सभी प्लांट में दिया था, जितने भी परमानेंट प्लांट हैं। और देखिए इसको इधर रख दिया है छोटे छोटे पॉट में, ये वेस्ट मटेरियल है सारा, तो